वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सबक, और उस सबक का नाम है ये कुछ शेख सादी के बारे में, और उसके हकायत नंबर 1 पढ़ेंगे आज हम। हकायत नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे, और ये हकायत नंबर 1 है प्यासा कुत्ता। सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग भी करके दिखाऊंगी और करके बताऊंगी, और इस हकायत की रीडिंग, और फिर हम साथ इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। कोई काफिला एक जंगल से गुजरा। काफिले के साथ एक कुत्ता भी था। काफिला दूर निकल गया और कुत्ता पीछे रह गया। बेचारे को रास्ता ना मिलता था। उसे जंगल में भटकते कई दिन गुजर गए। आखिर भूख प्यास के मारे हिलने की सकत ना रही और जुबान मुंह से बाहर निकल आई। इत्तफाक से एक नेक आदमी का उधर से गुजर हुआ, उसे कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। नेक आदमी ने अपनी पगड़ी खोली और खुला सर से उतारी, कोला का ढोल बनाया और पगड़ी की सरसी। इस तरह कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को चंद घूंट पिलाए और कुछ टुकड़े रोटी के खिलाए। कुत्ते की जान में जान आई, तब नेक आदमी ने इसे एक आबादी तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि उस जमाने के पैगंबर ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और ये बिशारत दी कि बिशारत यानी कि कहा कि खुदा ने कुत्ते के साथ नेकी के अवस यानी कि नतीजा, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, कर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं जिसके नए अल्फाज की तरफ। अल्फाज मायने हैं, सबसे पहले उसका है पहला वर्ड है काफिला, कारवां यानी कि मुसाफिर, ताजरों का गिरोह जो मिलकर सफ़र करता है, गिरोह, ठीक है ना, यानी कि जमघट्टा, काफ़ी ज़्यादा लश्कर। सक्कत ताकत कुवत, बशारत खुशखबरी, उस बदले में काला वो टोपी जिसके गिर्द साफा बांधा जाता है। फिर आ जाते हैं खुशखती पर। खुशखती है दुरुस्त तरीके से पाकिस्तान तरीके से नुक्ते डालिए। पहले पाकिस्तान का गोशा गोशा, मैंने नुक्ते डाले हुए हैं और आपने इधर भी ये वाला लिखना है लाइन, ठीक है। पाकिस्तान का गोशा गोशा अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से माला माल है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं इधर सवालात के जवाबात पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि सवाल के जवाब अपनी कॉपी पे लिखी है। पहला है जी, मेरे पास कुत्ते में हिलने की सकत क्यों ना थी। तो इसका जवाब है जी, मैं आपको शो करने लगी हूँ, ये है जिसका जवाब, कुत्ते में हिलने की सकत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से भूखा था। नेक आदमी ने इसकी मदद कैसे की? नेक आदमी ने अपनी पगड़ी खोली और कुल्ला सर से उतारी, कुल्ला का ढोल बनाया और पगड़ी की रस्सी। इस तरह कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को चंद घूंट पिलाए और कुछ टुकड़े रोटी के खिलाए। ये लिखिए, देख लीजिए आप लोग भी। अब है जी नेक्स्ट, नेक आदमी को किस ने क्या बशारत दी? वो था ये, उस जमाने के पैगंबर ने ये उस आदमी को अपने पास बुलाया और ये बशारत दी कि खुदा ने कुत्ते के साथ नेकी के औस तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। ये लीजिए, देख लीजिए ये आंसर्स, ये 3 मैंने आप लोगों को अभी तक करवाए हैं, तो ये देख लीजिए एक मतलब दोबारा से, ये सेकंड का और ये फर्स्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक आदमी ने उस कुत्ते की मदद क्यों की? तो इसका जी ये है आंसर, नेक आदमी ने को कुत्ते की हालत पर तरस आ गया, इसलिए नेक आदमी ने उस कुत्ते की मदद की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जानवर पर रहम करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो यह है इसका आंसर, हमें जानवरों पर रहम करना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये लीजिए, ये मैं आपको सारे आंसर दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सक्कत, पहला वर्ड हमारे पास क्या है जी बच्चे? सक्कत, यानी कि हमने पहले भी पढ़ लिया था, यहाँ पर ताकत और कुव्वत जिसके मायने होते हैं। पहला है सक्कत का जुमला बनेगा, कुत्ते में चलने की सक्कत नहीं थी।
फिर है ओस। खुदा ने कुत्ते के साथ नेकी के ओस तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। नेक्स्ट है जी जंगल। जंगल में जानवर रहते हैं। रहम, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए। प्यास, कुत्ता बहुत प्यासा था। कुत्ता बहुत प्यासा था। आगे है जी नेकी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस हकायत का सबक क्या है? अपने अल्फाज में लिखिए। मैंने आपको हकायत पढ़ के सुना दी है। वह आपने मेरे मुताबिक तो ये है कि नेकी करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, अगर आप दूसरों को भी नुकसान पहुँचाएंगे तो अल्लाह ताला भी आप लोगों के साथ, इस दुनिया में तो आप लोगों के साथ बुरा होगा ही, लेकिन आगे जाकर भी आने वाली अगली दुनिया में भी आपके साथ, यानी कि क़यामत वाले दिन भी आपके साथ, आपको उस बात की सज़ा मिलेगी। मेरे नज़दीक तो हकायत का सबक यही मिला हम लोगों को। आपके मुताबिक क्या है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता देना है, ठीक है। आगे आते हैं कवायद पर मुतरादिफ अल्फाज। पहला है ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखकर जुमले में इस्तेमाल कीजिए। रात, कल रात ताजरों का डैश कार, ब्रैकेट में है जी हमारे पास कारून, शहर में दाखिल हुआ था काफिला। मेरा घर मेरे खाला के घर के बहुत करीब है, पास है। इस साल अब्दुल किसान को इसकी फसल के बदले में बहुत अच्छी रकम मिली, यानी कि औज में, ठीक है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आप को बहुत डैश दाना समझते थे, अकलमंद। मेरे मोहल्ले का दुकानदार बात बात पर डैश तकरार करता है, बहस करता है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुँच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।